हेलो दोस्तों, आज हम आपको पहलाज नीलानी सर के प्रोड्यूसर कैरियर के बारे में बताएंगे। पहलाज नीलानी ने 1982 में आई मूवी हथकड़ी से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 30 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1985 में डायरेक्टर बी सुभाष की मूवी आई आंधी तूफान। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 60 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 90 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1986 में डायरेक्टर शिव मित्रा की मूवी आई इल्जाम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 55 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 40 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1987 में डायरेक्टर शिवू मित्रा की मूवी आई आग ही आग। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 35 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपर हिट रही। 1988 में डायरेक्टर शिवू मित्रा की मूवी आई पाप की दुनिया। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 20 लाख रहा। भारत में कमाई 4 करोड़ 75 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 35 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर शिव मित्रा की मूवी आई गुनाहों का फैसला। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 85 लाख रहा। भारत में कमाई 1 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1 करोड़ 95 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1989 में डायरेक्टर शिव कुमार की मूवी आई मिट्टी और सोना। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 15 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 80 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर डेविड धवन की मूवी आई आग का गोला। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 30 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड़ 10 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1991 में डायरेक्टर शिवा की मूवी आई फर्स्ट लव लेटर। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी के लीड कास्ट में विवेक मुरसान, मनीषा कोइराला और दलित ताहिल शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी हिट रही। 1992 में डायरेक्टर डेविड धवन की मूवी आई शोला और शबनम। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ 96 लाख रहा। भारत में कमाई 6 करोड़ 20 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपर हिट रही। 1993 में डेविड धवन की मूवी आई आंखें। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 14 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 25 करोड़ कमाई। इसके साथ यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 1994 में डेविड धवन की मूवी आई अंदाज। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ 29 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9 करोड़ 89 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1996 में डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा की मूवी आई दिल तेरा दीवाना। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 58 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ 8 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1997 में सिकंदर भारती की मूवी आई भाई भाई। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 2 करोड़ 68 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3 करोड़ 76 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2001 में डायरेक्टर राजन जोशी की मूवी आई उलझन। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 1 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 58 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 96 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2003 में डायरेक्टर सुनील दर्शन की मूवी आई तलाश। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ 75 लाख रहा।
भारत में कमाई 7,86,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12,74,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2008 में डायरेक्टर राजेश राम सिंह की मूवी आई खुशबू। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 3,75,00,000 रहा। भारत में कमाई 20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 34,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2017 में डायरेक्टर दीपक शिवदासानी की मूवी आई जूली 2। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 8,50,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,24,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,31,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2019 में सिकंदर भारती की मूवी आई रंगीला राजा। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे पहलाज नीलानी। इस मूवी का बजट 19,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 34,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 40,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। दोस्तों, आपको पहलाज नीलानी सर का प्रोड्यूसर कैरियर कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों, थैंक यू।